आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी ने भोपाल में विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में आए बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 1984 सिख दंगे के दोषी कमलनाथ मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, भोपाल की जनता ये सब देख रही है। राकेश सिन्हा ने कहा कि कमलनाथ के लाखों प्रयास के बाद भी यहां लोग सीएए के समर्थन में आए हुए हैं। ये समर्थन सिर्फ सीएए का नहीं है, सिख दंगों के विरोध में भी ये जनसैलाब है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी देशों में पीड़ित अल्पसंख्यकों को यह कानून नागरिकता देगा। आए दिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसियों की जनसंख्या कम हो रही है। इन लोगों को या तो मार दिया जाता है या फिर जबरन धर्मांतरण करा दिया जाता है। कमलनाथ सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद आज हजारों लोग आए हैं। कमलनाथ जी चाहे जहां भी बैठे हों, अपनी दोनों आंखों से देख ले ये जनसैलाब क्या कहना चाहती है। यह जन समर्थन सिर्फ सीएए के पक्ष में नहीं है। भोपाल में 84 के दंगा का गुनाहगार मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसे भी चेतावनी है। भोपाल की जनता इतनी भोली भाली नहीं है कि आप संविधान के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता को बहुत दिनों तक मौन रख सकते हैं। 84 के दंगे का भूत आपके पीछे खड़ा है। दिल्ली और हिंदुस्तान में निशंस हत्या करने के दोषी कमलनाथ आप जिस प्रकार के कुशासन दे रहे मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से यहां लोगों की तबाही मचा रहे हैं, मध्य प्रदेश की आम जनता राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, यह देश जय प्रकाश नारायण का है, यह देश नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का देश है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, उनकी सत्ता की डोरी हिल रही है। यह कुछ दिनों की चांदनी है, फिर उनकी अंधेरी रात आने वाली है। भारत माता का जय तो राहुल गांधी भी करने लगे हैं। जब भाई को देखा भारत माता की जय करने, तो बहन को लगा कि अब कांग्रेस की रस्ती तो उनके हाथ में आएगी नहीं, तो वह भगवा की जय करने लगी हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, यह बलात्कार की घटना ने हिंदुओं के इज्जत आबरू पर जो बड़ा प्रहार किया है, उसका निदान नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीएए के द्वारा दिया है। जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, वे पाकिस्तान बांग्लादेशी के बलात्कारियों के समर्थन में, तालिबान के समर्थन में खड़े हैं, उन्हें भारत में रहने का अधिकार क्या है वो सोचे जो हमारी परंपरा के खिलाफ जा रहे हैं। सीए के समर्थन में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस कानून से हिंदू सहित अन्य अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। यह कानून देश हित में है और इससे किसी भी दूसरे धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आए दिन देश के पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की संख्या घट रही है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सीएए कानून, नागरिकता संशोधन बिल जो ये संसद में लाया गया था, और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के, आदरणीय अमित शाह जी गृहमंत्री, उन्होंने संसद में बार बार बताया, जितने भी विपक्षी हमारे नेता हैं, जितनी भी हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेताओं द्वारा, उनके सांसदों द्वारा बार बार पूछा गया, उनका बार बार जवाब देने के बाद भी उन्होंने देश में एक ऐसा माहौल बनाया कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है, हिंदुओं के विरोध में बिल है, SC ST के विरोध में बिल है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम देशों में मुस्लिमों को शरण दी जाती है, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को शरण नहीं दी जाएगी। सिख को देंगे, ईसाई को देंगे, और जो भी प्रताड़ित लोग हैं उनको सबको हम भारत की गोद में शरण देंगे और यहाँ पर जो उनको नागरिकता प्रदान करेंगे। इसके लिए ये कानून आया, पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। और जिनको लग रहा है क्या वो लोग घुसपैठिए हैं, भारत के मुस्लिमों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भारत के मुस्लिम है।
देशभक्त मुस्लिम है, राष्ट्रभक्त मुस्लिम है, तो फिर इस राष्ट्र से कैसा द्वेष? आप कोई शरणार्थी तो हो नहीं जो आपको चिंता करने की जरूरत है। एक समारोह में पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने रक्षा अधिग्रहण सौदे के राजनीतिकरण पर सवाल उठाते हुए कहा, यदि आप रक्षा अधिग्रहण प्रणाली का राजनीतिकरण करते हैं तो पूरी प्रणाली पीछे चली जाती है, अन्य फाइलें भी धीमी गति से चलने लगती हैं। वो फोर्स के बाद तोपखाने को नई तोप कब मिल सकती है? वो फोर्स अच्छी तोप है, लेकिन वह भी विवादों में घिर गई थी। उसी तरह राफेल के मामले में भी जांच हुई। धनोआ ने रूस से खरीदी जा रही S-400 मिसाइल प्रणाली को गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि S-400 एक गेम चेंजर है। S-400 खरीदने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा सौदा किया है। बालकोट हवाई हमले के जवाब में 27 फरवरी 2019 को भारत पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने हमला करने की कोशिश की थी। उस दौरान अभिनंदन ने MiG-21 वायसन लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के उन्नत F-16 विमान को न सिर्फ खदेड़ दिया था बल्कि F-16 विमान को मार भी गिराया था। हालांकि उस दौरान उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिर गया था। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि भारत के दबाव में आकर पाकिस्तान को अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं से कहा, इस बार चुनाव सभाओं से नहीं लड़ना है, बीजेपी को घर घर जाकर मोहल्ला मीटिंग करके लड़ना है। मैं मोहल्ला मीटिंग की शुरुआत करने जा रहा हूं। अमित शाह ने कहा कि आज का ये दृश्य बता रहा है कि फरवरी के अंत में दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। शाह ने कहा कि जनता को कोई झांसा सिर्फ एक बार दे सकता है, बार बार नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। एक बार केजरीवाल जी ने झांसा दे दिया, उसके बाद नगर निगम के चुनाव हुए तो आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, लोकसभा के चुनाव हुए तो आप पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ और भाजपा का झंडा लहराया। दिल्ली में हाल ही में हुए दंगों को लेकर अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में आप और कांग्रेस ने दंगे करवाए। केजरीवाल, आपने क्या किया जरा हिसाब किताब बताइए तो। आपने कहा था 20 कॉलेज बनेगी, मैं दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं, कॉलेज कहां गई मालूम नहीं पड़ती। 5,000 से ज्यादा स्कूल बनाने वाले थे, मैं चश्मा चढ़ाकर देख रहा हूं स्कूलें कहां गई मालूम नहीं पड़ता है। अस्पताल बनाने की बात करी थी, अंत में एक मॉडल का फोटो दिल्ली वालों को दिखा दिया, दिल्ली वालों को झांसा देना आप चाहते थे। तीनों नगर निगमों को 10,000 करोड़ रुपए की ग्रांट रोककर उनको फेल करने का षड्यंत्र किया, मगर मैं प्रशंसा करना चाहता हूं नगर निगम के हमारे भाइयों बहनों की, उन्होंने स्वच्छ दिल्ली का अभियान फिर भी अपने बूते पर चालू रखा है केजरीवाल का सहयोग न होने के बाद। अमित शाह ने कहा कि बाकी पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का साधन हो सकता है, लेकिन बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास करती है। हम मानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास मौका है कि दिल्ली के घर घर में जाकर हमारी नीतियां जनता तक पहुंचाने का काम करें। बीजेपी को चुनाव सभाओं से नहीं लड़ना है बल्कि घर घर जाकर लड़ना है, मोहल्ला मीटिंग करके लड़ना है। अमेरिकी हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद पूरे मध्य पूर्व में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने बदले की कार्रवाई करते हुए 2 अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट दागे। तो उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में 52 ठिकाने उनके निशाने पर हैं, जिन्हें वे बर्बाद कर सकते हैं। जंग की इस तनातनी के बीच यूरोपीय संघ ने अमन और शांति बहाली की अपील की है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ वॉरेल ने शनिवार को तनाव घटाने पर जोर दिया और दोनों देशों से शांति बहाली की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि सुलेमानी अमेरिकी राजदूतों और बगदाद में तैनात 5200 अमेरिकी फौज पर हमले कराने की फिराक में थे। ईरान ने बदले की कार्रवाई करते हुए शनिवार की रात को इराक में अमेरिकी सेना के बेस कैंप और दूतावास पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे।
इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान सरकार को धमकी देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिर्फ सैन्य उपकरणों पर $2 ट्रिलियन खर्च किए हैं। यदि ईरान एक अमेरिकी बेस या किसी अमेरिकी पर हमला करता है तो हम अपने नए हथियार और खूबसूरत उपकरणों को बिना किसी हिचकिचाहट के उनके रास्ते पर भेज देंगे। यदि वे फिर से हमला करते हैं तो मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि उसके बाद उन्हें ऐसा जवाब देंगे जो इससे पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं किया होगा। नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। कांग्रेस व अन्य दलों ने नागरिकता संशोधन बिल पर कई सवाल खड़े कर रखे हैं। बिल के खिलाफ कई रैलियां निकाली गईं, बिल को वापस लेने की मांग की गई, कई राज्य में हंगामा इस कदर बरपा कि जाने तक चली गई, आगजनी और तोड़फोड़ की कई वारदातें हुई। वहीं देश के अधिकांश लोग खुलकर इस बिल के समर्थन में सामने भी आए और लोगों को भी बिल के बारे में समझाया। वहीं होशंगाबाद के सांसद के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी दलों की राज्य सरकारों पर सीधा निशाना साधते हुए राव ने कहा कि देश के कानून का पालन करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं। जो राज्य सरकारें नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं उनको खासकर कर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य की सरकार अगर पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा। 365 धारा का इस्तेमाल पहले भी कई बार हो चुका है, फिर हो सकता है। ये नहीं पता, ये फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान में, एक गणतंत्री व्यवस्था हमारे देश की है। कोई राज्य सरकार, अगर भारत की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास किया है, उन दलों के लोग वहां पर थे, आप अल्पमत में थे, आप वहाँ पराजित हो, आपको मौका मिला वहाँ बहस में शामिल होने का, आपको मौका मिला मतदान का, उसके बाद वो प्रस्ताव पास हुआ है, देश में संविधान के संशोधन करके कानून बना है, उस कानून को पालन करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं, और अगर राज्य सरकार उस कानून का पालन नहीं करेगी, मुझे लगता है राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा उन राज्य सरकारों को भंग करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल गवर्न स्टेट करने का। और ये 356 धारा का जो इस्तेमाल हिंदुस्तान में अनेक बार पहले हुआ है, ये नहीं भूलें कि हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलने वाला देश है। अगर भारत सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो बाध्य हर राज्य सरकार और नागरिक पालन करने का, जो उसका पालन नहीं करेगा, स्वाभाविक रूप से कानून सम्मत निर्णय भारत की सरकार कैबिनेट करेगी और राष्ट्रपति उसके हिसाब से निर्णय करेंगे। इंदौर में अफसरों की मनमानी और उनके बीजेपी प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी के बंगले पर धरना दिया था। इसके बाद प्रशासनिक अफसरों से रिपोर्ट मिलने के बाद संयोगितागंज पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन पाए जाने पर विजयवर्गीय सांसद लालवानी के साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष गोपी नेमा, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। अफसरों के अनुसार 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बंगले के बाहर 15 मिनट तक धरना दिया था। विजयवर्गीय सहित 350 कार्यकर्ताओं पर चार धाराएं 143, 149, 153 और 506 लगा दी गई। इसमें अवैधानिक तरीके से इकट्ठा होना और जान से मारने की धमकी देना शामिल है। पहले आप भी सुनिए कि उस दिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, जिसमें प्रशासन उनसे खफा है। होता है कि नहीं होता है, ये चिट्ठी लिखी उनको कि हम मिलना चाहते हैं, अब यू भी सूचना नहीं दोगे कि हम बाहर शहर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हूँ इंदौर। इसके बाद इस मसले पर राजनीति शुरू हो गई। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेसियों ने संभाग आयुक्त से शिकायत की है कि विजयवर्गीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काकर अशांति फैलाना चाह रहे हैं। भाजपा महासचिव अशांति फैलाकर माफिया विरोधी मुहिम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर में माचिस बांटते रहे। माचिस की डिबिया पर कैलाश विजयवर्गीय के फोटो छाप कर लिखा गया, शहर में आग लगाने के काम आती है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और विचारधारा ही फासिस्टवादी और हिंसात्मक है। उनको ट्रेनिंग भी इस पार्टी की दी गई जाती है बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं में, कि इस तरह की भाषा बोलें, इस तरह के कृत्य करें, और उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुरूप इस भाषा का जिस
मिट्टी में पैदा हुए, जिस मातृभूमि में आदमी रहता है उसकी पूजा करता है, लेकिन वो उसी को जलाने के लिए करते हैं, तो ये उनकी मानसिकता पर हमें तो तरस आता है कि अपनी माँ पर ही हमला करने का बात जो करता है वो इस देश के लिए, इस समाज के लिए और अपने नगर के लिए, ये अशोभनीय नहीं है, चिंतनीय है और उनकी जितनी निंदा की जा सके उतनी उचित है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, वो संविधान सभा का हिस्सा थे जिसने संविधान बनाया। उन्होंने अकेले संविधान नहीं बनाया, संविधान संविधान सभा ने बनाया। अकेले भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं है, एक संविधान सभा थी जिसके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और प्रत्येक वाक्य जो है संविधान का उनके सामने रखा जाता था, वो उसको जो मंजूर करते थे संविधान बनता था। और आप सच बात तो ये है कि अम्बेडकर जी भी उसमें शामिल थे जो ड्राफ्ट बनाते थे, लेकिन उनका भी अपना कोई एक वाक्य नहीं है, जैसे मनु का वाक्य है वैसे अम्बेडकर का कोई वाक्य नहीं है, कुछ फ्रांस से, कुछ जर्मनी से, कुछ इंग्लैंड से कट पेस्ट करके लाए, रख के उन्होंने जोड़ दिया, तो उसमें निर्माता कहाँ हुए वो? कोई कई पुस्तक अगर लिखता है, कई पुस्तकों का संकलन करता है तो वो उसका निर्माता होता है, तो इतनी समझने की बात है। प्रदेश भर में हुई अचानक बारिश से धान खरीदी केंद्रों पर खुले में रखी किसानों की हजारों क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गई। इस घटना ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीर है किसान की बर्बाद हुई फसल की, दिन रात मेहनत करने वाले किसान की बर्बादी की। ये तस्वीरें प्रशासन की लापरवाही की हैं, ये तस्वीरें प्रशासन के उस झूठ की हैं जो सब ठीक होने का दावा करता है मगर बलि किसान की लेता है। ये गाडरवारा के सिरेगांव और इमलिया की तस्वीरें हैं जहां बारिश की वजह से किसानों की हजारों क्विंटल धान बर्बाद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मैदान में पानी है और इस पानी में बोरियां हैं। कुछ बोरियों को तिरपाल कर नसीब हुआ है और कुछ बोरियां बिन तिरपाल के किसान की किस्मत की तरह बदकिस्मत ही रही। मौसम में अचानक बदलाव हुआ, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लेकिन प्रशासन ने खुले में रखे धान के सुध तक लेना उचित नहीं समझा। धान को बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया। किसान का कई टन धान बारिश के पानी में भीग गया। प्रशासन के दिखावे की और खानापूर्ति की व्यवस्था धान को भीगने से नहीं बचा पाई। पहले से व्यवस्था की गई थी, माल मतलब मंडे के दिन डंप ज़्यादा हो गया, इसलिए उसमें थोड़ी सी तुलाई पूरी नहीं हो पाई, अचानक पानी आ गया। 3,320 माल था, तुलाई करते करते 800-900 क्विंटल बचा है, बाकी सबकी व्यवस्था कंप्लीट है। इसके नीचे ही पनी बिछी है, ऊपर ही पनी है, माल में उतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, अब पानी बाजू में भरा है, उसके बाजू में तो पनी लगी है ना, आपने भी देखा है अंदर माल सूखा है। बोरे एक पट्टी गीली हुई है, उसको हम पहले ही पलटा चुके हैं, इसको ही पलटाएंगे, पलटा के फिर से तुलवाएंगे सुखा के। मैं अभी फिर से चेक कर दूंगा, नहीं ये वाली पनी क्या रात में उड़ गई थी जिसको आपने देखा है, ये वाली बस सर। धान की खरीदी शुरू हुए कई हफ्ते बीत गए लेकिन अभी तक भंडारण का काम शुरू नहीं हुआ है। बारिश में भीगे धान ने लापरवाही किसकी है, इसमें गलती किसकी है, यह तो जांच का विषय है, मगर नुकसान तो सिर्फ अन्नदाता का ही हुआ है। जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने भी रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, जल्द ही व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अभी लगातार मौसम खराब रहा है और इतने ज़्यादा अप्रत्याशित बारिश की जो है वो संभावना नहीं थी, बारिश हुई है निश्चित तौर पे और परिवहन की कुछ समस्या पहले से थी जिसके कारण से ये स्थिति बनी है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो खरीदी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलते रहे ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। सरकार बदली, प्रशासनिक अमला बदला, नहीं बदली तो किसान की किस्मत। किसानों की बर्बादी की खबरें यूं ही आती हैं और अफसोस जताकर सब किनारा कर लेते हैं। किसान सिर्फ चुनाव के समय याद आता है, आए भी क्यों ना, सत्ता हासिल करने के लिए तमाम वादे करके इन्हीं किसानों को भ्रमित भी किया जाता है। ये वही किसान हैं जिनके दम पर राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाती हैं।
सिंगरौली में मोरवा रेलवे स्टेशन के पास सड़क छोड़कर आवासीय परिसर में ट्रेलर के घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रहा ट्रेलर सड़क छोड़कर 25 मीटर दूर बने रेलवे कॉलोनी मोरवा परिसर में जा घुसा। गनीमत रही कि ट्रेलर बिजली के पोल से टकरा कर रुक गया, नहीं तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की तेज आवाज से नींद में सो रहे लोग जाग गए और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं हादसे के बाद वाहन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित महिलाओं ने सिंगरौली गोरबी मार्ग पर जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी। 3 तारीख को सर रात में 22:45 पर अनियंत्रित होकर के हाईवा घुस गया हमारे घर में, और ये ट्रांसपोर्टर लोग अपने पैसे बचाने के चक्कर में सब अनट्रेंड ड्राइवर रखते हैं, 10 से 12 साल के सभी ड्राइवर चलाते हैं और बिना खलासी के हाईवा चलता है, और जितने भी इसमें ड्राइवर हैं सब बिना लाइसेंस के, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है और न ही कोई गाड़ी चलाने का इनके पास अनुभव है। यहीं बगल में दारू भट्टी है और ये लोग दारू पीते हैं और अनियंत्रित लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, और ये गाड़ियाँ सब ट्रिप पर चलती हैं, इनको जितना ट्रिप लगाएंगे उतना इनको पैसा मिलेगा, तो उसी ट्रिप के लालच में ये लोग अनियंत्रित हाईवा चलाते हैं। आक्रोशित महिलाओं को समझाने पहुंचे SDOP डॉक्टर कृपा शंकर द्विवेदी व मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने आश्वस्त किया कि कलेक्टर को पत्र लिखकर यहां चल रही शराब भट्टी को हटवाने का प्रयास किया जाएगा। NCL को पत्र लिखकर समय समय पर पानी का छिड़काव भी कराया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन की ओर से समय समय पर स्पीड गवर्नर की चेकिंग भी कराई जाएगी। पुलिस प्रशासन से मिले इस आश्वासन के बाद जाम खुल सका। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर को भाजपा वीर लगाकर महत्व दे रही है, जबकि उन्होंने वीरता का कोई काम नहीं किया है। देसाई ने कहा कि जिस किताब को लेकर बवाल मचाया जा रहा है वह 1 साल पहले प्रकाशित हुई थी और उसमें जो भी लिखा गया है वह किसी कमीशन की रिपोर्ट या किसी लेख या अन्य रूप में उपलब्ध है। सावरकर को लेकर सेवा दल द्वारा प्रकाशित और वितरित साहित्य को लेकर देसाई ने कहा कि उसमें किसी के व्यक्तिगत विचार नहीं है। सावरकर को लेकर भाजपा द्वारा जिस तरह का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है उसकी सही जानकारी कांग्रेस और सेवा दल कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने साहित्य प्रकाशित कराया गया है। देसाई भोपाल में राष्ट्रीय विशारद प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम सावरकर के बारे में व्यक्तिगत तौर पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, पर एक गलत तरीके से अगर किसी को आप हीरो वॉरशिप के जरिए प्रमोट करोगे तो सत्य तो भारत देश के लोगों को जानने का अधिकार है, और हम व्यक्तिगत कुछ भी लिखने की जगह पे उस बुक में सिर्फ और सिर्फ विभिन्न बुकों में जो लिखा है, खुद सावरकर के बुक में जो लिखा हुआ है या फ्रीडम एट मिडनाइट है उसमें लिखा हुआ है, और कुछ संगीति सोच वाले लोगों ने भी उसमें कुछ लिखा है। दूसरा है कि जो जजमेंट है जो कोर्ट का उनके मृत्यु के बाद दूसरे साल 66 में उनका मृत्यु हुआ और 67 में 67 में जो जजमेंट आया है कमीशन का रिपोर्ट आया है उसमें जो चीजें लिखी हुई है, तो हमने तथ्यों के आधार पे वो प्रमाणिक तौर पे उसमें जो है उसको लिखा है। अब उसका क्या अर्थ निकालना वो लोग निकाले। देसाई ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से 11 बार माफी मांगी जिसमें से 9 बार लिखित में माफी मांगी थी। अंग्रेजों को माई बाप कहते थे, उन्हें अंग्रेजों से 60 रुपए प्रति माह मिलता था। देसाई ने कहा कि यह राशि उन्हें रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाने के बदले दी जाती थी। सावरकर ने जिले से बाहर नहीं जाने के लिए अंग्रेज सरकार से 100 रुपए प्रति माह मांगे थे और कहा था कि वे जिले से बाहर नहीं जाएंगे तो जीवन यापन के लिए रुपए नहीं मिल पाएंगे। अंग्रेजों ने 100 रुपए के बदले उन्हें 60 रुपए दिए जो उन्होंने स्वीकार भी किए। ये अहंकार की भाषा और रावण की अभिलाषा इनके अंतर मन है। उमा भारती जी इतने सीनियर नेता होने के बाद इस तरह की अमर्यादित शब्दों का उपयोग करना एक स्वस्थ लोक तंत्र को आघात पहुंचाता है। मैं मानता हूं कि उमा भारती जी खुद की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में उसका आकलन उनको करना चाहिए, और चूंकि उम्र में बहुत बड़ी है, सीनियर नेता है, मध्य प्रदेश की नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रही, महत्वाकांक्षा क्या होती है और त्याग की भावना क्या होती है, महत्वाकांक्षी किस हद तक जाकर
अपने विचारों की हत्या करते हुए उमा भारती ने इतिहास में बताया है। और त्याग की भावना क्या होती है, सेवा दल और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया है। हम जब जब भी राजनीतिक रूप से, सत्ता की राजनीतिक रूप से कमजोर हुए, तब तब देश संकट में आया। हम तब तब वापस देश ने कांग्रेस पार्टी को आशा भरा निगाह से देखा है और फिर हमने देश का परचम विश्व में लहराया है। इतिहास गवाह इसका। उमा भारती जी का अहंकार, रावण का भी अहंकार चुकना चूर हो गया, तो उमा भारती का क्या लगे? सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में सहायक कमांडेंट बैच 44 का भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अकादमी के निदेशक मुकुल गोयल रहे। मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र एवं पुष्पांजलि अर्पित की। इस दीक्षांत परेड में कुल 13 प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्य अतिथि को सलामी दी। फिर सभी प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्य अतिथि के समक्ष देश के संविधान के प्रति एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। सहायक कमांडेंट बैच नंबर 44 के 52 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान ड्रिल, युद्ध कौशल, निशानेबाजी, बिना हथियार के लड़ने की कला का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले राकेश भनकरिया को ऑल राउंडर गृहमंत्री ट्रॉफी एवं आंतरिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर सीओडी कमांडर प्रवीण राठौर, महानिरीक्षक राम अवतार, संयुक्त निदेशक सुरेश चंद्र यादव, उप महानिदेशक कमांडेंट पी के पंकज और प्रशिक्षणार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। 13 लोग उसमें थे। जो अगला बैच आने वाला है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 70 लोग, क्योंकि ये एक्चुअली ये प्रक्रिया जो होती है इनके सिलेक्शन की, इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है और इसमें कई जगह पहले बीएसएफ की तरफ से प्रोजेक्शन होता है कि हमें इतने लोग चाहिए, फिर उसके बाद एमएचएस में डिसाइड करता है, फिर उनका एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन होता है। इस पूरी प्रक्रिया में टाइम बहुत लगता है, तो कई बार बहुत से लोग, जैसे इस बैच में ही था, 26 लोग शुरू में आने थे लेकिन कुल में पास आउट होते होते कुल 13 ही रह गए सिविल कार्डों से। तो लेकिन हाँ, बैच ये छोटा था, आगे हमें और बड़े बैच की इस बार होने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट है। एक साल की टफ ट्रेनिंग के बाद आज मैं बीएसएफ के अंदर ऑफिसर हूँ। ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ हासिल होती है जो आज मेरे को मिला है। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, मेरे फादर कर्नल आर के यादव रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, मेरी मदर श्रीमती सुमती यादव, मेरी दोनों बहनों को देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी जो ट्रेनिंग का श्रेय है वो अपने इंस्ट्रक्टर्स को देना चाहता हूँ, यहाँ डायरेक्टर बीएसएफ अकेडमी से लेकर के एक उस्ताद जो हमको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, उन सबको आज मेरे कंधों पर सितारे लगने का श्रेय उन सबका है। उनके बिना ये नहीं हो पाता। मैंने सिर्फ एक परीक्षा पास की थी, आज मेरे अफसर बनने के पीछे मेरे इंस्ट्रक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। हमें तुमसे प्यार कितना की महफिल में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर सचिन गुप्ता और डॉक्टर अंशुल राय ने शिरकत की। इन सभी अतिथियों का सम्मान दखल न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय, M3 ग्रुप के डायरेक्टर दिनेश गर्ग, मधुरम ग्रुप के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन के अध्यक्ष सपना शर्मा ने किया। इस महफिल को सुरों से सजाने के लिए मध्य प्रदेश के जाने माने गायकों द्वारा राजेश खन्ना पर फिल्माए गानों की प्रस्तुति दी गई। गायक अशोक सिंह, अरविंद शर्मा, संजय शर्मा, आकृति मेहरा, पूर्वी सुहास, निहारिका और अनमोल सक्सेना के सुरों ने पब्लिक को कार्यक्रम के अंत तक बांधे रखा। इन सभी गायकों का साथ संगीत संयोजक केदार चौहान व उनके बैंड ने दिया। कड़ाके की ठंड में भी गायकों की हर प्रस्तुति के बाद पब्लिक ने गर्मजोशी से तालियां बजाई और भरपूर आनंद लिया। विगत 2 वर्षों से M3 में म्यूजिक का प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन के तहत हम गरीब बच्चों को ट्राई साइकिल, दिव्यांगों को हम हेल्प करते हैं समय समय पे, जूते स्कूल में देते हैं बच्चों को, जो बच्चे असहाय होते हैं उनको हम सहारा देने की कोशिश करते हैं और किसी से हम फंड नहीं लेते, ये स्वयं अपने खर्चे से हम पूरा करते हैं। और साल में 2 प्रोग्राम देते हैं म्यूजिक का, जो म्यूजिक लवर्स होते हैं जो आए और गाने संगीत सुन रहे हैं, हॉल में गाना चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो काफ़ी ताकत मात्रा में सौजन्य से लोग आते हैं, सुनते हैं और आनंद लेते हैं। भोपाल के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और भारतवर्ष का
सर्वोत्तम गीत गजल का प्रोग्राम है और इसके लिए M3 ग्रुप बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से हमारे दिनेश भाई, दिनेश गर्ग जी, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में वीणा उठाया है कि लोगों को, नए नए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए और गीत गज़ल को प्रोत्साहन देने के लिए नए गायकों को ये प्रोत्साहन देते हैं और भोपाल के लोगों को एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर प्रोग्राम इन्होंने देते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।